दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका प्यारा दोस्त इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं टीम इन्विक्टस। आप सभी को बहुत 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 ईद उल फितर की मुबारकबाद, स्पेशली जो कश्मीर में है, क्योंकि कश्मीर में ग्रैंड मुफ्ती निसारुल इस्लाम साहब ने कल ईद होगी इसका ऐलान हुआ है, और यहां पे जितनी भी मस्जिदें हैं लाल चौक में वहाँ से भी ऐलान हुआ कि कल ईद है। तो आप सभी दोस्तों को, देखने वालों को, रिश्तेदारों को, सबको मेरी तरफ से भैया ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद। बट मुझे ये नहीं कहना था, मेरे को ये कहना था दोस्तों कि आपको पता हम किस हाल से भी गुजर रहे हैं, कोरोना की मुसीबत है, तो प्लीज़ ईदें फिर से आएंगी, इंशाल्लाह हम सब जिंदा रहेंगे, अगले साल ईद मनाएंगे। प्लीज़ कोई गलत कदम ना उठाए, घर में ही रहें, सेफ रहें, और फ़ोन पर ही सबको दुआएँ दें, नमाज़ें पढ़ें घर से ही, प्लीज़ बाहर ना जाएं, और अपने अपने घर वालों को ज़रूर ज़रूर ख्याल रखें। और कल नमाज है, जो भी आप पढ़ोगे तो मैं हमेशा दुआ करता हूँ, आगे भी दुआ करते रहेंगे। आपसे भी इल्तिमास है कि अल्लाह ताला से दुआ करें कि इस वबा को जल्द अज जल्द इस दुनिया से ख़त्म करें, क्योंकि ये खाली कश्मीर में नहीं है, हर जगह है ये वबा। तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। बस इतना ही कहना था, वस्सलामु अलैकुम। सेफ ईद बनाए घर पे, और दुआ करें कि इस मुसीबत से हम जल्द अज जल्द निजात पाए। खुदा हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।